यूर watching मथ आई टॉक्स एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर love, लव सपोर्ट एंड फीडबैक आपके रिस्पॉन्सेज़ आते हैं हमें आपके जब मैसेजेस मिलते हैं तो दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग और हमें हिम्मत मिलती है कि हम और वीडियोस बनाएं आप ही में से एक ऐसा शख्स हैं जिन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा एंड द क्वेश्चन वॉज कि जो आप वीडियोज़ बनाते हैं और उन वीडियोज़ के अंदर जो आप बातें करते हैं जो लर्निंग की लेसनस और लाइफ को डिसकस करना यू ऑफन से वे टू मेक योर लाइफ ईजी तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या ये आप ख़ुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं या आप इन सारी चीज़ों पे ख़ुद अमल करते हैं तो द आंसर इज़ बिग नो जैसे वीडियो हमने एक बनाया था पिछला और उसमें हमने कहा था कि डोंट जज क्विकली इसी तरह आ, मतलब मेरा सिर्फ इतना कह देने से आप मुझे जज नहीं कर सकते कि मैं अमल नहीं करता उन सारी चीज़ों पर एयर इज़ द थिंग कि इसमें ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें मेरे अंदर शामिल हों और वो सारी चीज़ों पे मैं अमल कर रहा होता हूँ बेसिकली चैनल बनाने का हमारा एक मकसद था और उसी मकसद को लेके हम चले थे और उसमें एक चीज़ ये भी शामिल थी कि इसमें जो हमारी पर्सनल ग्रूमिंग होगी जॉब के अंदर जाके स्पेशली uh, जैसे हैक्टिक जॉब्स होती हैं कुछ नाइन टू फाइव वहाँ जॉब्स में जाके आपको लगता है या कुछ ऐसे स्टेजेस हमारी लाइफ में ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ज़िंदगी कहीं पे हमारी रुक सी गई है मतलब ज़िंदगी तो चलती रहती है लेकिन जो लर्निंग है आपके लाइफ की वो थोड़ी रुक गई है तो आई फेल्ट दैट टू और उसमें फिर ये हुआ कि हमने चैनल जब क्रिएट किया फिर बात आई कंटेंट कौन सा रखेंगे और फिर वी मूव्ड ऑन टू द कंटेंट उसमें ये मैंने चीज़ रियलाइज़ की कि इससे मुझे भी फायदा होगा बल्कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अब जैसे अगर हमने किसी टॉपिक पे बात करनी होती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो सारा कुछ मुझे पता होता है ऑब्वियसली हम वीडियोज़ देखते हैं हम स्टडी करते हैं स्टडी करने के बाद कुछ चीज़ें लिख ली जाती हैं कुछ चीज़ों के नोट्स बना लिए जाते हैं और कुछ चीज़ें याद कर ली जाती हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लर्नड होती हैं जो अडेप्ट होती हैं और उसमें ये है कि मेरे अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होती आई ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न दोज मैं वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एवरी टाइम वी कम अप विद अ डिफरेंट वीडियो विद अ डिफरेंट टॉपिक तो उस टॉपिक के ऊपर पहले कुछ सुनना पड़ता है कुछ पढ़ना पड़ता है या खुद की भी अगर आपने राय उस पर कायम करनी है तो यू सिंक अ लॉट ऑन एट आप उसके ऊपर सोचते हो जैसे ये भी जो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर आपको मैं बताऊँ तो सिर्फ सिंपल ये छोटे से सवाल का जवाब देने के लिए भी आई टुक माई टाइम उसके बाद उन थाट्स को मैंने गैदर किया फिर उनके सेगमेंट्स बनाए कि इस तरह से इसका आंसर किया जा सकता है आंसर ये है कि मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं लेकिन मैं उनको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अगर तो कोई पाँच मिनट या छः सेकंड की भी वीडियो है वो आपके सामने लेके आने के लिए कम से कम तीन से चार घंटे लगते हैं यानी उस पर टाइम कंज्यूम हुआ होता है अब वो डिफरेंट टाइम स्पैम में हो सकता है तो इस सवाल का जवाब मैंने सिर्फ इसलिए देना चाहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं ऑल इन वन बंदा हूँ और कोई भी इतना फास्ट लर्नर नहीं होता है तो वी आर लर्निंग थिंग्स हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं और इसमें एक सबसे ज़्यादा मुझे जो फ़ायदा हुआ है हम लोग एक डिजिटल एसेट क्रिएट कर पा रहे हैं मतलब इट इज़ अ डिजिटल एसेट इसको आप जब चाहे बाद में देख सकते हैं और ये पड़ा रहेगा वहाँ पे तो मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो इस चीज़ की है जो मुझे मोटिवेट रखती है वो यही है कि मेरा एक डिजिटल एसेट है और इस पर हम लोग जो कॉन्टेंट डाल रहे हैं वो हर एक की लाइफ से रिलेटेड है जिसमें हर कोई इंटरेस्टेड होता है सीरियस हो या ना हो ये एक अलग बात है लेकिन इंटरेस्टेड आप होते हैं उसमें ज़रूर सीरियसनेस इसमें तब आती है जब आपको लाइफ में आगे जा के कुछ झटके लगते हैं फिर आप इन चीज़ों के लिए भागते हैं तो उसी के लिए हम ये प्रोड्यूस बनाते हैं सो थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के रिस्पॉन्स के लिए आप लोगों की फीडबैक के लिए मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो वेरी मच